जैकलिन फर्नांडिस शक्ल से तो बहुत ही खूबसूरत है, हालांकि मेकअप लगाकर और भी खूबसूरत होने का काम करती है, लेकिन भीतर से इनका जो चरित्र है वो बेहद काला है। सुकेश चंद्रशेखर के साथ जिस तरह से 200 करोड़ के फ्रॉड में इनका नाम सामने आया है कि सुकेश चंद्रशेखर ने इन्हें हाथी घोड़ा गधा बिल्ली सब दे दिया, और उसके बाद 7 करोड़ रुपए की भी बात चल रही है कि सुकेश ने इसको दिया था और भी महंगे गिफ्ट्स वगैरह दिए थे, तो इस मामले में जैकलिन का नाम सामने आया है। अब जैकलिन की जमानत होने की बात हो रही है और ईडी जो है वो इसका विरोध कर रही है। हालांकि जैकलिन को 10 नवंबर तक की जमानत दे दी गई है, लेकिन ईडी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। ईडी का ये कहना है कि जैकलिन जैसे लोगों को छोड़ना बहुत ही खतरे का काम है, क्योंकि जैकलिन जो है वो देश के लोगों को धोखा देकर इंडिया से भागने की कोशिश कर रही थी। वो तो भला हो इमिग्रेशन अथॉरिटी का जिन्होंने जैकलिन को रंगे हाथों पकड़ लिया और ईडी के हवाले कर दिया कि भैया ये देश छोड़कर भाग रही थी, इतना सारा घोटाला इसके सर के नाम है। ईडी का ये भी कहना है कि जैकलिन किसी भी चीज में सहयोग नहीं कर रही है, जो भी जांच पड़ताल जो भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं उसमें कोई भी सहयोग नहीं कर रही है, और यहाँ तक कि इसने अपने मोबाइल से बहुत सारे डेटा भी डिलीट कर दिए गए हैं, जो कि इसे मना किया गया था कि नहीं करने, लेकिन इसने बहुत सारी चीज डिलीट कर दी है। जैकलिन को 5 शर्तों के साथ जमानत दी गई है और ये भी कहा है कि आप इंडिया छोड़कर नहीं जा सकती हैं जब तक ये केस चलता रहेगा, आपका इसमें कुछ जो भी भला बुरा होने वाला है वो सामने नहीं आ जाता, तब तक आप इंडिया छोड़कर नहीं जा सकती। ईडी का ये भी कहना है कि जैकलिन जो है वो बार बार अपना स्टेटमेंट बदल रही है, वो सही जवाब दे ही नहीं रही है। इसके परिवार के ऊपर 7 करोड़ की ठगी का भी आरोप लगा है। मैं कह रहा हूँ कि जैकलिन अगर सही तरह से जवाब नहीं दे रही है तो जो बाकी लोगों के साथ आप इस्तेमाल करते हो जो हथियार, वो हथियार जैकलिन के साथ भी करो, उसे भाई रियायत क्यों दे रहे हो, छूट इतनी क्यों दे रहे हो, दिवाली का बम्पर ऑफर चल रहा है। सोचिए ऐसे ऐसे लोगों का बड़े बड़े मामलों में नाम सामने आता है, उसके बाद भी ये खुलेआम घूम रहे हैं, चाहे नोरा फतेही हो चाहे जैकलिन हो, ये फिल्में कर रहे हैं, डांस पार्टीज में जा रहे हैं, रियलिटी शोज में जा रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, और जिंदगी में खुद अंदर से कितने मोटिवेटेड हैं ये बताने की और समझाने की जरूरत नहीं है। तो सोच लीजिए ऐसे लोगों को कितनी छूट दी जा रही है हमारे देश में, और यहीं पर कोई आम इंसान अगर ट्रैफिक रूल्स भी तोड़ दे तो उसकी तो पहले धुलाई की जाती है, फिर उसके बाद चालान काटा जाता है, फिर न जाने क्या क्या चीजें की जाती है।